Welcome to Time News Studios. You are watching 11 AM Bulletin. मुल्क में कोरोना वायरस की बी लहर खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करे वही। 24 कलाक दौरान 48 मरीज फौत थियण बाद अंग वधी 7744 थी वो। 24 कलाक दौरान कोरोना जा 2957 केस रिपोर्ट थिया। एनसीओसी मूजिब कोरोना जी मुस्बत केसिस की शरह 7.5% रही। सिंध में कोरोना जा केस बढ़ने का पोए लॉकडाउन में वधिक सख्ती। छंछर आचर ते कारोबारी मरकज बंद रखने जो फैसलो। सरकारी खानगी इदारन में 50% स्टाफ घटाने जो हुक्म। घरू खाते नव हुक्मनामो जारी करे छो। शादी तकरीबू शादी हॉल्स बदरा खुलल हंधन से थन्दू। रात 9 बजे का पोए शादी तकरीबन से पाबंदी होंगी। रात 10 बजे तई खुलल रहंदड़ होटल्स में मानी खाने से पाबंदी होंगी। होम डिलीवरी पार्सल की इजाज़त होंगी। मजारन थिएटर्स सिनेमाज इंडोर गेम्स बिजनेस सेंटर्स बंद जगहों से थींदड़ बियूं सरगर्मियों मुकम्मल तौर से बंद रहंदियों। नव हुक्मनामो ईंदड़ साल 31 जनवरी तई लागू। स्कूली बार कोरोना वायरस की पखेड़ जो कारण बढ़ी सघन था। इंसानी हयातिन सा नथा खेली सघूं। तालीम वाले वफाकी वजीर शफकत महमूद जो चवण है समूरे मुल्क में कोरोना पखिड़ी रो है। बार वबा की पखेड़ जो सबब बढ़ी सघन था। तालीमी इदारन की बंदिश जो फैसलो इतफाक़ी राय से कयो। स्कूलन की बंदिश बाबत हतमी फैसले लाए कौमी राबता कमेटी जो इजलास अज तलब। वजीर आजम की सदारत हेठ गरजाणी में तालीमी इदारन की बंदिश की हतमी मंजूरी ए स्मार्ट लॉकडाउन समेत अहम फैसले जो इम्कान। हेवन फील्ड ए अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंसेस में अगूड़े वजीर आजम नवाज शरीफ की सजा खिलाफ अपीलों से बुधनी अज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी। नवाज शरीफ अज पेश न थो तो खेस इश्तिहारी करार दे सकज। तवां चाहो था तो वड़े वजीर के तौहीन अदालत जो नोटिस उमाणियों। सिंध हाई कोर्ट तरफा 10,000 लेक्चरर्स के टाइम स्केल न मिलने ते कावड़ जो इजहार। सिंध हाई कोर्ट लेक्चरर्स के 10 दिन में टाइम स्केल दियण जो हुक्म दई छो। बुधनी दौरान असिस्टेंट एजी सिंध तरफा मोहलत घुरण ते जस्टिस मोहम्मद अली मजहर चयो तो तवां मोंझारा पैदा करण घुरो था तो नतीजन लाए भी तैयार रहो। मानू सालन खां धिक्का खाई रहा है तवां के थोड़ो भी एहसास ना है। अदालत जो हुक्म वड़े वजीर ए चीफ सेक्रेटरी सिंध लाए हो तौहीने अदालत की कार्रवाई लाए तैयार रहो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नई चूंडियल सदर जो बाइडन के इक्तदार की मुंतकली जो बाजाबता तौर अमल शुरू करण जो ऐलान कर छो। चूंड नतीजन खिलाफ मजाहमत जारी रखण जो भी अज़्म जाहिर। पेंचे ट्वीट बयान में ट्रंप चयो त मुल्की मफादन के नजर में रखंदे एमली एसएनएस टीम के शुरुआती प्रोटोकॉल्स मुकम्मल करण जो हिदायतों दई छन। अमरीका में इक्तदार की मुंतकली की जिम्मेवार इदारे जे एसई तरफा भी जो बाइडन की कामयाबी तस्लीम करण जो ऐलान। जो बाइडन 20 जनवरी से अमरीका के नए सदर तौर हलफ खणंदो। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ए शहबाज शरीफ की अमर बेगम शमीम अख्तर जो मड़ पाकिस्तान मुंतकिल करण लाए डेथ सर्टिफिकेट जो इंतजार। बेगम शमीम अख्तर जो मड़ खमीस तई पाकिस्तान मुंतकिल करण जा इम्कान। तदफीन जाती उमरा में थींदी। शरीफ कुटुंब सां ताजियत जो सिलसिलो जारी।
सिंध सरकार औरतुन सा जिन्सी ज्याती के केसिस में जवाबदारन के जल्द सजा डीएनए नमूना हासिल करण बाबत नव मुसविदो तैयार कर वरतो। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल तरफा सिंध हाई कोर्ट में बुधनी दौरान मुसविदो पेश। अदालत दरख्वास्त गुजार के नए मुसविदे जो जायजो वठण की हिदायत कर छी। बुधनी दौरान रिमार्क्स दींदे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर चवाही तो अड़ो निज़ाम जोड़ो वे जो असाजे मुआशरे से टहकदड़ हो। अमरीका कैनेडा जड़ो निज़ाम इतने अमल जोगो न हों। डीएनए जो जदीद निज़ाम लागू कर जांच में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बढ़ाया वे। ड्याम शोरे में शागिर्द सा मुबैना बदफेली बाद वीडियो रिकॉर्ड करण वाले मामले में अग भराई। पुलिस मुतासर शागिर्द के आज़ाद करे इल्ज़ाम हेठ आयल चैन जवाबदार के गिरफ्तार कर वरतो। एसएसपी ड्याम शोरो डीएसपी एडमिन की सरबराही में जांच कमेटी जोड़े छी। अस्सलाम वालेकुम, टाइम न्यूज़ सां गॾु मां हमीर शेख। हेडलाइंस हवाले थियूं तफ़सीली ख़बरूं हिन ब्रेक खां।